वेलकम फ्रेंड्स, आखिरकार आज कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोला खुशियों का पिटारा। कई बड़ी घोषणाओं के साथ बैंकों को जारी करने का आदेश। याद रहे, आज इस सत्र की अंतिम कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारी संघ की लंबे समय से चली आ रही डीए में 3% की बढ़ोतरी की मांग, जो कि जनवरी 2022 से प्रभावी हो, साथ में 18 मार्च डीए के साथ फिट एंड फैक्टर बढ़ाने को लेकर बड़ी चर्चा के बाद आखिर 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगियों का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। कर्मचारियों को हुई बल्ले बल्ले, डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्र सरकार ने अपने 55 लाख से ज्यादा सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से ज्यादा पेंशन को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया। बड़े महंगाई भत्ते का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। अब कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 34% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 31% का प्रावधान था। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी की मार्च की सैलरी के साथ नए डीए अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के साथ जनवरी फरवरी का एरियर भी दिया जाएगा। 34% होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए में 34% होने के बाद बढ़कर 6,120 रुपये प्रति माह हो जाएगा, यानी इसमें प्रति माह हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1,707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी में 20,484 रुपये बढ़ जाएगा। साथ में 18 माह बकाया डेरियर व फिटनेस फैक्टर बढ़ाने को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी आज सहमति हो सकती है। अगर आज सरकार फिटनेस फैक्टर को बढ़ाकर 3.66% करती है तो कर्मचारियों को सीधा 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। याद रहे, फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फिटनेस फैक्टर के हिसाब से सैलरी मिल रही है। अगर फिटनेस फैक्टर को बढ़ाकर 3.66% किया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा, यानी कर्मचारियों के वेतन में सीधी 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।